श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड स्टॉक्स में आपको इंट्राडे में 1:1 का टारगेट यहाँ पे मिला है। पीवीआर आईनॉक्स में भी आपको यहाँ पे 1:1 का टारगेट मिल चुका है। एसआरएफ लिमिटेड में आपको 1:4 का टारगेट इंट्राडे में मिल गया है। भी आपको यहाँ पे इंट्राडे में 1:2 का टारगेट मिला है। ओरेकल फिन सर्विसेज में आपको यहाँ पे 1:1 का टारगेट मिला है। लाल पैथ में भी आपको यहाँ पे 1:2 का टारगेट इंट्राडे में मिल गया है। देखिए सारे स्टॉक्स हमें यहाँ पे एक्सेल शीट में मिले, विप्रो, ओएफएस, एस्ट्रल, लालपत लैब। देखिए दूसरे एक्सेल में श्रीराम फाइनेंस, पीवीआर, एसआरएफ, ये सारे स्टॉक्स हमें एक्सेल शीट से मिल चुके हैं। एक्सेल शीट हमने आपके सामने रखी है। यहाँ पे देखिए काफी सारे स्टॉक्स होते हैं, बट इन स्टॉक्स में से हमने कुछ ही स्टॉक्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया और आपको यहाँ पे इंट्राडे में उन स्टॉक्स में टारगेट मिल चुका है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो स्ट्रैटेजी जानने वाले कि कैसे आपको इंट्राडे में सही स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, सही ट्रेड लेना है, मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन रहेगा, स्टॉक्स कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, स्टॉक्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस वेबसाइट पे, बट आपको एक्सेल शीट डाउनलोड करने के बाद ये सारे स्टॉक्स कहां से मिलेंगे, ये एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस स्ट्रैटेजी का, वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए जाएंगे हम लोग स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल अगेन, और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग यहां पे अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग यहां पे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स का आशय आइडेंटिफाई करना है, कौन से स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना होने वाला है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ में आप देख सकते हो जो स्टॉक्स हमने आपको बताए, ये स्टॉक्स हमें कहां से मिले, ठीक है, ये स्टॉक्स हमें कहाँ से मिले, ये जो एक्सेल शीट है हमने कहाँ से डाउनलोड की, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कौन सा इंडिकेटर हमने इस्तेमाल किया, ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको यहाँ पे हेल्प करेगी आपको अपनी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्लोज करने वाला हूँ। वीडियो में काफ़ी शॉर्ट बनाने वाला हूँ, ठीक है। मुझे मालूम है कि काफ़ी बड़ा वीडियो ज़्यादा लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, बट मेरा आज का जो मोटिव रहेगा वीडियो काफ़ी शॉर्ट करूँगा ताकि आपको इसको समझने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली जाएंगे चार्ट पे और वो स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, हमें स्टॉक्स कहाँ से मिलेंगे, हाउ डू वी गेट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे। स्टॉक्स तो डायरेक्टली आएंगे नहीं ना आपके डायरेक्टली बॉस लिस्ट में, आपको तो स्टॉक्स को ऐड करना पड़ेगा। तो स्टॉक्स आपको मिलने वाले हैं इस बेसिक से वेबसाइट पे जिसका नाम है NSE इंडिया वेबसाइट, ठीक है, फ्री वाली वेबसाइट है, मैं कोई आपको प्रेड वेबसाइट नहीं बता रहा हूँ, फ्री वेबसाइट है यहाँ पे NSE इंडिया करके आपको गूगल में टाइप करना है, चाहो तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। आपको इस वेबसाइट पे टाइमिंग लिख के लिखिए, आपको 9:20 को आना है, ठीक है, 9:20 को टाइमिंग आप यहाँ पे लिख दीजिए। काफ़ी लोग पूछे वीडियो देखने के बाद भी कौन से टाइम फ्रेम पे करना है, कौन से टाइमिंग, तो इस वेबसाइट पे आपको 9:20 को आना है, और जो स्ट्रैटेजी आपको करनी है टाइम फ्रेम उसका हम लोग चार्ट पे बात करेंगे। तो 9:20 को आपको इस वेबसाइट पे आना है, और यहाँ पे आप देख रहे हो निफ्टी 50 लिखा है, इसको आपको क्लिक करके नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे अदर से सेक्शन में सिक्योरिटीज एंड FNO वाला स्टॉक दिखेंगे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने सारे स्टॉक्स यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। आप राइट हैंड साइड देखिए, आपको डाउनलोड CSV का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, डाउनलोड CSV का ऑप्शन, ये आपको 9:20 को डाउनलोड करना है, 9:20 को। तो जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे एक एक्सेल फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है, ये देखिए डाउनलोड हो चुकी है फाइल, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। नॉर्मल सी फाइल रहेंगे, स्टॉक्स का डेटा उसमें कंटेंट रहेगा, ठीक है, ये देखिए फाइल डाउनलोड हो चुकी है, ये देखिए इंडियन होटल पेज, अशोक लेलैंड, आप अगर डाउनलोड अभी भी करोगे तो आपको यही फाइल लिखने वाली है, ठीक है। इस फाइल में मैं आपको वो फॉर्मूला कैसे लगाना है, और फॉर्मूला लगाने के बाद देखिए ये स्ट्रैटेजी माइट भी पुरानी भी हो सकती है, बट हमने इसमें कुछ एडवांस इंडिकेटर इस्तेमाल किए जिसके वजह से इसकी एक्यूरेसी बढ़ रही है, ठीक है। एक्यूरेसी 100% नहीं हो रही है और कभी होगी भी नहीं, बट अगर आपको 10 स्टॉक्स मिल रहे हैं इंट्राडे में तो आपको 6 से 7 स्टॉक्स में प्रॉफिट हो सकता है, 2-3 स्टॉक्स में आपका टारगेट नहीं हिट होगा, स्टॉपलेस हिट हो सकता है, इतना समझिए। 60-70% के अराउंड आपको इसमें एक्यूरेसी मिलती है, स्टॉक्स की स्ट्रैटेजी है, रिस्क फ्री रहता है, बट एंड ऑफ द डे आपको अपने जो भी आप इस्तेमाल करते हो ब्रोकर उसमें प्रॉफिट दिखना चाहिए, ये आपका भी एम है और मेरा भी यही एम होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बिना टाइम वेस्ट करिए वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू का साइन प्रेस करता हूँ, ओपन प्राइस इक्वल टू हाई प्राइस, ठीक है। एडवांस इंडिकेटर हम लोग इस्तेमाल करने वाले, माइंड भी स्ट्रैटेजी आपने पुरानी भी देखी भी होगी, बट यहाँ पे आपको एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम एडवांस इंडिकेटर यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले। ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे दोनों फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स फॉल्स इसलिए आए क्योंकि ये जो प्राइस है ओपन प्राइस, ये ना ही हाई प्राइस से मैच करिए ना ही लोस्ट प्राइस से मैच करिए, राइट। अभी ये जो पूरा फॉर्मूला है मैं पूरे एक्सेल शीट को लगा दूंगा, ठीक है, एक्सेल शीट में लग गया, ठीक है, यहाँ पे लग गया पूरा फॉर्मूला। अभी आपको यहाँ पे इसको फिल्टर करना है, और पहले जो हम लोग स्टॉक्स देखेंगे वो देखेंगे ओपन इज इक्वल टू हाई वाले स्टॉक्स, ठीक है। ये देखिए मैं फिल्टर लगा रहा हूँ आपके सामने लगा रहा, देखिए अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्वेरीज है, कमेंट कीजिए, मैं इसी स्ट्रैटेजी पे आपको लाइव सेशन करके बताऊंगा, लाइव में आऊंगा, आपको जो पूछना है मुझे लाइव में पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
फॉल्स जहाँ पे है ये फॉल्स को हटा दूंगा और ट्रू वाले स्टॉक्स मुझे चाहिए। तो कितने स्टॉक्स आए, ये देखिए ऑलमोस्ट आपको 16 स्टॉक्स आए। अभी इसमें भी मैं फिल्टर करने वाला हूँ, मुझे 16 स्टॉक्स नहीं चाहिए, मुझे 4 से 5 ही स्टॉक्स चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे प्रेस करूँगा 0.00 कर दिया और ओके। कितने स्टॉक्स मेरे पास आए, श्रीराम, पीवीआर और एसआरएफ, यही स्टॉक्स हमने आपको इंट्रो में बताया था। ये देखिए श्रीराम, पीवीआर और यहाँ पे आ रहा है एक एसआरएफ, 3 स्टॉक्स, श्रीराम उसके बाद में पीवीआर और एसआरएफ, ये 3 स्टॉक्स हमें कहाँ से मिले, एक्सेल शीट से मिले। अभी आपको समझ में आया, ये हमने यहाँ पे डायरेक्टली नहीं ऐड किए, हमें एक्सेल शीट में फार्मूला लगाने के बाद ये 3 स्टॉक्स मिल गए। ठीक है, अभी आपको मैं बताता हूँ ये जो ओपन इज इक्वल टू हाई वाले स्टॉक्स से पहले हम लोग इसको देख लेंगे, इसके बाद में ओपन इज इक्वल टू लो वाले स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, एक एक यहाँ पे चीज को क्लियर करेंगे। तो आपको ये स्टॉक मिल गया ओपन इज इक्वल टू हाई वाला। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओपन इज इक्वल टू हाई वाले जो स्टॉक्स होते हैं जिनकी प्राइस उनके ओपन प्राइस से मैच करती है हाई प्राइस से। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स में हमारा एनालिसिस ऐसा होता है कि दो स्टॉक्स हमें डाउन साइड की मूवमेंट देते हैं जिनको हमें शॉर्ट करना होता है, सेल करना होता है, बेचना होता है। क्लियर है, समझ में आपको, ऐसे स्टॉक्स में आपको सेल करना होता है। ठीक है, अभी आप देखिए एसआरएफ का ये जो स्टॉक है ये ओपन इज इक्वल टू हाई में ही है। ठीक है, राइट, बट ये जो स्टॉक है ये ट्रेड कर रहा है ये दोनों लाइन से बीच में। ये लाइन कौन सी है, एक रेड लाइन है, ये ब्लू लाइन है और एक ग्रीन लाइन है, ये एक इंडिकेटर है। ये तीनों लाइन से मिलके एक इंडिकेटर बना है, ब्लू, ग्रीन और रेड, ये तीनों लाइन से मिलके एक इंडिकेटर बना है। और ये जो ब्लैक लाइन है ये ईएमए है। ठीक है, इंडिकेटर्स हम लोग आपको बताएंगे, लेकिन ये जो तीनों लाइन से इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये जो रेड लाइन है ये रेड लाइन मतलब स्टॉक की, इस स्टॉक की एसआरएफ की एक दिन पहले का लो। ठीक है, ये जो लो है एक दिन पहले का ये रेड लाइन हमें बता रही है, ग्रीन लाइन है इस स्टॉक का एक दिन पहले का हाई। ठीक है, ये हाई है और जो ब्लू लाइन है आप बताइए ब्लू लाइन क्या रहेगी, देखिए आप अगर आप यहाँ पे जज कर पाते हो तो माइट भी आप सही रहेंगे। ये ग्रीन लाइन हाई है, रेड लाइन लो है और ये जो ब्लू लाइन है ये ब्लू लाइन है कल की क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस ये है। ठीक है, अभी समझ गया कि ये तीनों लाइंस एक इंडिकेटर हमने बनाया है, ये तीनों लाइंस डायरेक्टली आपके चार्ट पे आपको दिख जाते हैं, आपको कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं करने हैं। अभी आप देखिए जो स्टॉक हमने बताया जो ओपन इज इक्वल टू हाई है जिनके प्रोबेबिलिटी होती है, मैं ये वर्ड बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी कि माइट बी वो डाउन साइड जा सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स में हमें क्या देखना है, अगर स्टॉक कल के क्लोजिंग प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है, फिर से सुनिए, अगर स्टॉक कल के क्लोजिंग प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है और हमें यहाँ पे ईएमए के नीचे भी मिल रहा है तो वो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑलरेडी आपको 950-920 को स्टॉक्स यहाँ पे मिलेगा, इतनी जल्दी तो आपको स्टॉक नहीं मिलेगा 920 को, जब आप ये सब करोगे फॉर्मूला लगाओगे एक्सेल शीट डाउनलोड करोगे स्टॉक तक आने तक आपको 920-925 हो जाएंगे, तो स्टॉक आपको क्लोजिंग प्राइस से नीचे ही मिलेगा। ठीक है, जब आपको ये क्लोजिंग प्राइस से नीचे मिलता है, ईएमए के नीचे मिलता है, तो आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हो, टाइम फ्रेम 5 मिनट्स नॉर्मल इंडिकेटर्स, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, टाइम फ्रेम 5 मिनट्स नॉर्मल कैंडल के साथ। ठीक है, स्टॉक अगर आपको क्लोजिंग प्राइस से नीचे मिल रहा है ईएमए के नीचे, शॉर्ट सेल आपको यहाँ पे करना है, आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो क्लोजिंग प्राइस है वो, और टारगेट आपका यहाँ पे कल का लो। ठीक है, ये मिल गया, बाद में आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, ये हो गया ओपन इज इक्वल टू हाई में। समझ में आया, ये एसआरएफ का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल कौन सा था यहाँ पे, पीवीआर का था। ठीक है, अभी देखिए पीवीआर ऑलरेडी आपको कल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे मिल रहा है, जब आप आओगे 920-925-930 तक ऑलरेडी कल के क्लोजिंग के प्राइस पे है, और यहाँ पे देखिए ईएमए के नीचे भी है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक एग्जांपल है, शॉर्ट सेल कर लीजिए, हम लोग शॉर्ट कर देंगे, आप कहीं पर भी स्टॉक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको पहले कैंडल पे दो, अगर आपको टाइम लग रहा है 10-15 मिनट जा रहे हैं सब ये फॉर्मूला लगाने के लिए सब, तो अपना टाइम लीजिए, बट याद रखिए शॉर्ट सेल करने के लिए जो स्टॉक है वो कल के क्लोजिंग प्राइस ब्लू लाइन के नीचे रहना चाहिए, ब्लू और रेड लाइन के आ रहा है ये रहेगा तो ठीक है, अगर स्टॉक अगर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है तो आपको शॉर्ट सेल नहीं करना है, भले वो ईएमए के नीचे रहे बट क्लोजिंग प्राइस के नीचे ही चाहिए। अभी याद कीजिए ये जो एक दिन पहले का ओपन प्राइस है, हाई प्राइस है, लो प्राइस और क्लोज प्राइस, ये चारों लाइंस आपको हमेशा आपके चार्ट पे ड्रॉ करना है, क्योंकि यही पे हमेशा चाहे वो कौन सा भी इंडिकेटर हो, कौन सा भी इंडेक्स हो, कौन सा भी स्टॉक्स हो, वो हमेशा वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है। ठीक है, इन केस में आप देखिए पीवीआर के स्टॉक में आपको परफेक्ट ट्रेड मिली, और एक स्टॉक कौन सा था यहाँ पे, स्टॉक था यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस। देखिए सिमिलरली
क्लोजिंग प्राइस के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, नीचे आया, बाद में आपको शॉर्ट सेल करना है, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस के अराउंड इसका ओपनिंग हुआ, ये देखिए ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस के ऊपर हुआ, बट इसकी क्लोजिंग 5 मिनट कैंडल की ये हुई है कल के लो के नीचे, तो परफेक्ट एग्जांपल आपके लिए, ओपन इज इक्वल टू हाई का स्टॉक का, ठीक है। अभी ये हो गया ओपन इज इक्वल टू हाई, अभी हम लोग दूसरा जो व्यू है ओपन इज इक्वल टू लो वो देख लेते हैं। उसके लिए हमें फिर से यहाँ पे आना होगा एक्सेल शीट में, ठीक है। एक्सेल शीट में आने के बाद हमें जो हमने इंडिकेटर लगाया था और जो कुछ फॉर्मूला लगा था उसको निकालना पड़ेगा, ये निकाल दिया। अभी ये सेक्शन में हमें ओपन इज इक्वल टू लो वाले स्टॉक्स मिलेंगे, ये ऑलरेडी 4 ही है तो मुझे यहाँ पे 0.00 डालने की जरूरत नहीं है। कौन से है? विप्रो, OFS, एस्ट्रल और लालपत। तो मेरी बात सुनिए, अभी देखिए मार्केट क्लोज होने के बाद मुझे 4 स्टॉक्स मिल रहे हैं। माइट बी लाइव मार्केट में आपको 10 मिल सकते हैं, 15 मिल सकते हैं, ये कमेंट्स आ सकती हैं लोगों की हमारे वीडियो पे, कमेंट्स ये जो है वो आ सकती है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। लाइव मार्केट में आपको मैक्सिमम स्टॉक्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो अभी कौन सा स्टॉक्स था? विप्रो का, ठीक है, विप्रो का स्टॉक है। क्या बताया था? ये ओपन इज इक्वल टू लो वाला स्टॉक्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टॉक अपसाइड जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको स्टॉक मिला लगभग 920 के अराउंड, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है, EMA के ऊपर है, हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए स्टॉक्स ने आपको ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ कमा के दिए, 1.72 का आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देखिए, नीचे हमने लगा भी है, कल का क्लोजिंग प्राइस हमारा स्टॉप लॉस, बट वो 2% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इतना याद रखिए, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा है यहाँ पे? OFSS, देखिए क्या कमाल का यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिल गया। ओपनिंग कहाँ पे हुई? कल के क्लोजिंग, ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन कल की क्लोजिंग प्राइस है। ओपनिंग हुई, सपोर्ट लिया, ठीक है, और यहाँ पे स्टॉक जो है ऑलरेडी EMA के ऊपर है, ट्रेड बनाई है, और यहाँ पे ट्रेड बनाने के बाद आप देखिए आपको कितने पॉइंट्स मिले। देखिए ट्रेड आप यहाँ पे भी बना सकते हो, पहले 5 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस काफ़ी कमाएगा। देखिए 1.55% OFSS में, ठीक है। और कौन सा स्टॉक है यहाँ पे? हाँ, ये स्टॉक लालपत लैब, ठीक है। क्या सीनारी हुआ यहाँ पे, ये देखिए सपोर्ट कहाँ पे लिया, एक दिन पहले के लो पॉइंट से, दिख रहा है आपको, लालपत लैब में एक दिन पहले के लो से सपोर्ट लिया, क्लोज किया क्लोजिंग प्राइस के अभाव, सेकंड कैंडल ने भी क्लोज किया क्लोजिंग प्राइस के अभाव, स्टॉक ऊपर आ चुका है EMA लाइन के ऊपर, और यहाँ से आप देखिए कितने पॉइंट्स मिले, ऑलमोस्ट 1% तो आपको मिल नहीं गए थे, ठीक है, 1% तो आपको यहाँ पे मिल गए। लालपत लाभ का ओपन इज इक्वल टू लो वाला स्टॉक है। उसके बाद में और एक एग्जाम्पल है, देखिए एस्ट्रल में क्या हुआ, स्टॉक भले यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो में है, बट स्टॉक ने यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर यहाँ पे आपको क्लोज नहीं दिया, एक दिन पहले का जो क्लोजिंग प्राइस उसके ऊपर क्लोजिंग दिया क्या, नहीं दिया। अभी देखिए इंट्राडे में अगर कर रहे हैं तो 2 बजे की क्लोजिंग पे हम लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे, 2 बजे के बाद आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाओगे इंट्राडे के लिए, आपको पहले आधे एक घंटे में देखना कि स्टॉक की मूवमेंट क्या है। और 2 बजे यहाँ पे अगर मिला भी है आपको क्लोजिंग, बट उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ये देखिए सिंपल सी बात है, ठीक है, आपको यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ था क्लोजिंग प्राइस का, बट हमें क्लोजिंग नहीं मिली, और उस टाइम पे स्टॉक भी था वो EMA के नीचे ही था, इसीलिए यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं है। ये एक आप बोल सकते हो एक्सप्लेनेशन है, आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, ऐसे स्टॉक्स अगर मिल रहे हैं आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अभी हम लोग इसको समराइज़ कर लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं ओपन इज इक्वल टू लो वाले स्टॉक्स का। ये देखिए विप्रो का एक सही एग्जाम्पल रहेगा, एग्जाम्पल समराइज़ करते हैं और वीडियो को क्लोज करते हैं, ठीक है। आपको क्या देखना है, ये स्टॉक है ओपन इज इक्वल टू लो वाला स्टॉक्स, यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखता हूँ, ओपन इज इक्वल टू लो वाला स्टॉक्स है जहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड मूवमेंट होती है अपसाइड की, ठीक है। तो उसके लिए आपको देखना है कि स्टॉक कल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है कि नहीं है, है, ठीक है। उसके बाद में स्टॉक्स EMA के ऊपर है कि नहीं है, है, ठीक है। आपको ट्रेड बनानी है, जब भी आपको स्टॉक मिलेगा 920 को 925 को, ट्रेड लेने के बाद आपको 1:1 का टारगेट रखना है, 1:1 का है पहले रखिए, ठीक है। अभी ये हो गया ओपन इज इक्वल टू लो, अभी ओपन इज इक्वल टू हाई वाला एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। ये ओपन इज इक्वल टू हाई ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा है, फिर से मैं लिखता हूँ, ओपन इज इक्वल टू, एक मिनट, ओपन इज इक्वल टू हाई वाले स्टॉक्स जहाँ पे हमें मोमेंट जो है वो मिल सकती है डाउन साइड की, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, स्टॉक कल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है क्या? जी हाँ बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। ये देखिए उसके बाद में स्टॉक EMA के नीचे है कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल नीचे है, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, और यहाँ से 1:1 का ही टारगेट आपको रखना है, ठीक है। बाद में अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना आ रहा है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। एक्सेल फाइल देखिए, हमने आपके सामने यही शेयर की थी, माइट भी आपको लाइव मार्केट में ज़्यादा स्टॉक्स मिल सकते हैं,
आपको टाइम भी लग सकता है स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेड लेने के लिए, बट वो सब आप अगर डिसिप्लिन के साथ करोगे तो जल्दी आप इस सेटअप को सीख लोगे। ठीक है, मैंने इंडिकेटर बताया, ये इंडिकेटर जो है ऑलरेडी हमने बताया, ये आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगा। ठीक है, यस्टरडेज ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोज प्राइस हमने काफ़ी बार शॉर्ट में भी बताया आपको कि ये इंडिकेटर बेसिक सा इंडिकेटर, चाहे आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो या कोई स्टॉक में कर रहे हो, तो आपको ये इंडिकेटर काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ओपनली, अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो हमारे इस चैनल पे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कुछ समझ में आया नहीं आया, जो भी है कमेंट में लिखिए। अगर काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा सिखाइए, आके लाइव में बताइए, मैं इस वीडियो पे बता रहा हूँ, मैं आपको लाइव स्ट्रीम में पूरा सेटअप फिर से एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ, बट आपके कमेंट्स आने चाहिए। ठीक है, और हमारे मोटिवेशन के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए आपको लाइक तो ज़रूर करना है इस वीडियो को। ठीक है, आई होप अभी तो आपको समझ में आया जाएगा सेटअप किसके बारे में था। तो मिलेंगे ऐसे नए नए सेटअप्स आपको दिखाने के लिए फिर से ऑन मंडे विथ न्यू ट्रेड न्यू सेटअप। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।